हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। ये प्रश्न पत्र पुराना प्रश्न पत्र है, अभी एग्जाम कहीं पे नहीं हुआ है, इसलिए अभी के मैं प्रश्न पत्र आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी कठिन कठिन प्रश्न है। तो कठिन प्रश्नों को आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको बनाना कैसे है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे थोड़ा सा आपको ज़रूर मदद मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र पुराना है तो पूरा का पूरा तो ये आ नहीं सकता है ना। इसमें से एक आध दो प्रश्न ज़रूर फंस सकता है, पर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको बनाना कैसे है इसके लिए ये वीडियो मैं आपको बना के बता रहा हूँ, जिसमें एक प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। तो चलो देखते हैं प्रश्न पत्र को। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, क आकाश तथा शून्य के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। किस शब्द का प्रयोग होता था भाई? तो यहाँ पे ये जो खम है ना, इस शब्द का प्रयोग होता था। बाई चांस अगर एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए तो आपको उत्तर क्या लेना है, खम लेना है, ठीक है। दूसरा देखो, ख जीरो नहीं है एक। जीरो क्या नहीं है भाई? क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होके ये आगे बढ़ते रहेगा, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अनंत तक के चला जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो यहाँ पे आगे में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए क्या है, ये जो जीरो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। वो पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो अगला देखो, ग तीन कोष्टक के अंदर दिया हुआ है, तीन और करणी के अंदर 27 दिया है, और इस पूरे का घात कितना दिया है, जीरो दिया हुआ है। तो इसका मान बताना है। अब आप लोगों को इसका मान निकालने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का भी मान जीरो हो, चाहे कोई भी मान हो, जैसे तीन का घात जीरो, पाँच का घात जीरो, ठीक है, तो घात अगर किसी का भी जीरो हो ना, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा एक। क्या ले लेना है, एक। तो देखो घात क्या है, जीरो है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद घ को देखो, पाँच एक्स घात तीन माइनस दो एक्स घात दो प्लस एक में एक्स के तीन घात का गुणांक है। तो गुणांक हमें बताना है। तो देखो एक्स के तीन घात के साथ गुणा किस कौन सा मान है, तो देखो यहाँ पे पाँच, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पाँच। अगर इस प्रश्न में ये पूछ देता है कि एक्स के घात दो का गुणांक बताइए, तो उसके साथ देखो गुणा कौन है भाई, माइनस दो गुणा है ना, तो आपको माइनस के साथ लिखना है। प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले में माइनस दो लेना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्नों को बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक, जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको बनाना कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इससे थोड़ा सा आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। बाय द वे ये पूरा प्रश्न पत्र जो है आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं और अगर बाई चांस यही प्रश्न उठा के दे देते हैं तो फिर कैसे बनाओगे, तो ये आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद देखो अंगा, 101 का बीजांक होगा, 101 का बीजांक होगा, तो कितना होता है भाई, तो आप जोड़ लो, एक प्लस जीरो प्लस एक कितना होगा, दो, तो दो इसका उत्तर हो जाएगा। बीजांक तो ऐसे ही निकालते हैं ना, जितने मान होते हैं उन सभी को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है वही क्या होता है, बीजांक कहलाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो, एक का घात जीरो दिया है, फिर से आ गया एक का घात जीरो, तो एक का घात जीरो का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था घात अगर जीरो है, चाहे मान कुछ भी हो, उत्तर क्या लेना है, एक, सीधा आंख मूंद के एक उत्तर ले लेना है। अब यहाँ पे देखो एक मज़ेदार प्रश्न आया है, छह में देखो बट्टा, यहाँ पे बट्टे से संबंधित प्रश्न है। अगर बट्टे से संबंधित प्रश्न है तो इसको कैसे बनाना है, अब काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है ना, बट्टा से अगर कोई संबंधित प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं कि बट्टा बताना है तो फिर कैसे बनाओगे। तो देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक कपड़ा दुकान पे मैं जाता हूँ, 100 रुपये का कपड़ा खरीदता हूँ, तो 100 रुपये के कपड़े में मुझे बट्टा दिया रहा है, बट्टा का मतलब होता है छूट, तो वो मुझे क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। छूट कितने का दे रहा है, 5% का छूट दे रहा है,
और 100 का 5% का मतलब क्या होता है, 100 × 5/100 ऐसे निकालते हैं ना, तो 100 100 कट गया मतलब 5 रुपये, 5 रुपये का छूट दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा इस 5 रुपये को घटा दूंगा, घटाऊंगा तो कितना आएगा 95 रुपया, 95 रुपया आ गया। अब ये जो 100 रुपया है इसे हम क्या कहते हैं भाई, 100 रुपये को हम कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, 100 रुपये को अंकित मूल्य। और जिस जो छूट देने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, 5 रुपये को छूट कहेंगे, ठीक है, छूट कहेंगे। और इस 95 रुपये को क्या कहेंगे, 95 रुपये को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 100 रुपये को अंकित मूल्य कहते हैं, ये बट्टा है जिसे हम बट्टा या हम छूट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना बट्टा छूट एक ही है, छूट है। और ये क्या है, विक्रय मूल्य। अगर हमें बट्टा निकालना है, ठीक है, बट्टा निकालना है, तो अब हम बट्टा कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य में इस विक्रय मूल्य को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपये में 95 घटाओगे तो 5 रुपये आएगा ना, और यही 5 रुपये तो छूट है, 5% में अगर देते हैं तो 5% छूट दे रहा है, तो 5 रुपये छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य मतलब जो सामान है उसकी कीमत है, और उस कीमत में जो छूट दिया है उसको हम छूट या बट्टा कहते हैं, और जिस पे बेचा जाता है, ठीक है, छूट को काटने के बाद आप जो पैसा पटाते हैं वो बेचने वाला होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाओगे तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा बट्टा। तो देखो अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाना है, कहाँ पे कौन से टॉपिक है, ये तो नहीं है, गलत है ना, ये वाला टॉपिक आ रहा है उत्तर, ये भी क्रास और ये भी क्रास, तो जो दूसरा है वही क्या होगा हमारा उत्तर रहेगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं छूट बट्टा। देखो अब जा देखो, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो कॉस थीटा का मान होगा, बहुत आसान प्रश्न है ये और बहुत सरल प्रश्न है ना, बहुत आसान और बहुत सरल प्रश्न है ये। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो भाई ये जो 1 है वो 1/2 हो जाए, उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर में नीचे में आ जाएगा तो 1/2, तो देखो 1/2 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके बाद देखो झ में, मिश्र धन ए बराबर खाली स्थान, इसके बाद 1 + r/100 और कोष्टक बंद उसका घात n दिया है, तो ये जो सूत्र है ये मिश्र धन का सूत्र है, और आपको पता है कि आगे में क्या रहता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन, और मूलधन को किससे दर्शाते हैं, p से दर्शाते हैं, ठीक है, मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से, तो उत्तर में क्या लेना है आपको, पी लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पाई का मान होता है, पाई का मान होता है, देखो देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन बहुत सरल प्रश्न है, पाई का मान होता है, कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये क्या है, वृत्त है ना, वृत्त की परिधि, परिधि कितना होता है भाई, वृत्त की परिधि का मान 2πr होता है ना, 2πr, तो बस 2πr कर देना है। अब 2πr में देखो पाई बस को हमें क्या करना है, इसी साइड रखना है, क्योंकि हमारे पास एक मिनट है ना, पाई के बस हमें क्या करना है, इसी साइड में रखना है, और बाकी जो 2r है उसको हमें यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, 2r को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये ऊपर में है तो परिधि के नीचे में आ जाएगा, तो मतलब परिधि अपान 2r, और इस 2r को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो ये r जो है ये त्रिज्या है और 2 है, मतलब त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास, तो परिधि अपान व्यास जो है पाई का मान होगा। तो अब देखो इस जो 4 ऑप्शन में परिधि अपान व्यास कहाँ पे लिखा है, परिधि अपान व्यास पहले में लिखा है, तो यही क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कितना आसान था ना, पर ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आपको बस अपना दिमाग लगाना है, आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद देखो ब ऑप्शन आते हैं, उचित संबंध जोड़िए, यहाँ पे उचित संबंध जोड़ना है इसका, तो देखो ये वाला जो प्रश्न है, a का घात m गुणित a का घात n, अगर दोनों मान जैसे a और a दोनों बराबर है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो देखो a के साथ घात जुड़े वाला मान कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये किसके साथ मैच होगा, इसके साथ मैच होगा। ख देखो साइन 0 अंश का मान, तो आपको पता होगा साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 0 में 0 होता है, तो 0 वाला ऑप्शन यहाँ पे है। साइन कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान होता है करनी 3/2 होता है, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, और ये बचा है जो ये इसके साथ आ जाएगा, तो देखो कोष्टक के अंदर है ना, a का घात m फिर कोष्टक के घात कितना n, तो ऐसा अगर प्रश्न रहता है तब आपको इस तरीके से बनाना है,
समझ में आ गया? तो इस तरीके से ब वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखो, 13 गुणी 17 का मान सूत्र एकाधिकेण पूर्वेण विधि से हल कीजिए। जो ये तो आपको पता होगा, मेरा अगर वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये कैसे बनाया जाता है ना, एकाधिकेण पूर्वेण विधि, है ना, एक अधिक करके बनाना होता है, आसानी से आप इसको बना लोगे। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा जो अध्याय है एक, उसको देख लेना है, ठीक है? ये तो बन जाएगा, सरल टॉपिक है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी टॉपिक सरल है, -1 और 2 के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये अध्याय 2 में है, तो इसको भी मैंने बहुत ही बारीकी से बताया, अध्याय 2 देखना, मिल जाएगा और बन जाएगा, ठीक है? जो पेचीदा प्रश्न है, जो टफ है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बीजांक की परिभाषा उदाहरण से ही दीजिए। अरे भाई, बीजांक को आपको पता है, जितने नंबर होते हैं उन नंबरों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो एक अंक प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, बीजांक। बस इतना ही लिखना है, और कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे 101 था ना, जो 101, इसी को उदाहरण में ले लेना, ठीक है? ये आसान प्रश्न है। पांचवा देखो, यहाँ पे है टी बराबर 0 कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता, कह रहा है, बस हल करना है, जो कटेगा उसको काट देना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है, ठीक है? तो इसको बस हल करना है, ठीक है? ये शायद तीसरा अध्याय में इसका उत्तर मिल जाएगा। और इसके बाद देखो ये है 10 स्क्वेयर कितना दिया, 60 अंश, और 10 स्क्वेयर 45 अंश दिया है। ये 10 वाले जो टॉपिक संबंधित प्रश्न है, कौन से अध्याय है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें 10 cos 10 ये सब दिया रहेगा, उसमें जाके देखना, ये मिल जाएगा। क्या करना है आपको, बस इन दोनों में से एक को क्या करना है, बराबर करना है या सूत्र लगा देना है, बस आसान प्रश्न है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। यहाँ पे देखो ये 7वां, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, यहाँ पे PU दिया हुआ है, यहाँ पे QV दिया है, जबकि यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है कि इन दोनों मान को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या बताना है, घात। तो भाई घात बताना है आपको, तो देखो ये और ये तो कट जाएगा, तो मैं बस कह सकता हूँ कि यू जो घात है वो 7 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कट गए, यहीं पे काट देते हैं, देखो, है ना, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में। अब देखो 5 घात यहाँ पे है, यू का 5 घात, तो ये उत्तर जो है ये 5 घात ही इसका उत्तर आएगा, जब जोड़ोगे तो 5 जो सबसे ज़्यादा घात वाला होता है ना, वही उसका घात होता है, तो यू का 7 घात था वो तो कट गया है, तो बचेगा कितना, 5 घात वाला, और यहाँ पे कहीं पे 5 घात नहीं, सिर्फ यही बस में दिया हुआ है, तो इसलिए 5 घात आएगा। इसके बाद देखो 6वां प्रश्न, नहीं, 6वां नहीं यार, कौन सा है, 8वां है, 8वां है, तो इसमें बताना क्या है, को समानता के नियम से हल कीजिए, ठीक है? समानता के नियम से हल करना है, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको m का मान निकालना है, समानता के नियम लागू हो जाएगा, या फिर दोनों दोनों जो पद है वो बराबर होना चाहिए, तो वो समानता का नियम होता है। ये भी मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया और बहुत सरल विधि से बताया है, तो ये आपको पता होगा ना, इस साइड में मान और इस साइड में मान, दोनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, समानता का नियम कहलाता है, बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है? इसके बाद देखो 9वां प्रश्न, ये चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। भाई मिश्र धन का सूत्र लगा दो, मिश्र धन का सूत्र लगाने के बाद मिश्र धन को मूलधन से क्या करना है, घटा देना है, वही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी बन जाएगा आपसे, ठीक है? 10वां प्रश्न देखो, ये प्रश्न अध्याय 6 से है, तो ये तो बन जाएगा, इसे तो मैंने बहुत ही बारीकी से पढ़ाया है, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है? और इस अगर इस टॉपिक को अच्छे समझना है तो मैंने जो वीडियो बनाया है उसका प्लेलिस्ट लिंक है, पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है, कक्षा 9वीं के गणित का पूरा चैप्टर कंप्लीट है, जितने भी अध्याय है ना पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो अगर आपको सारे वीडियो को मतलब सारे टॉपिकों को अध्याय वाइज देखना है तो प्ले लिस्ट में आपको जाना होगा, और प्ले लिस्ट में कक्षा 9वीं वहाँ पे लिखा गया क्लास 9th, बस उसको टिक कर देना, क्लास 9 मैथ्स, जैसे ही उसमें बहुत सारे प्ले लिस्ट मिलेंगे ना, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे आते जाना, और जहाँ पे कक्षा 9वीं वाला रहेगा क्लास 9 का, उसको आपको बस टिक कर देना है, आसानी से आपको मिल जाएगा वीडियो, और आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। चलो आगे देखो, इसके बाद है ये 11वां प्रश्न, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो एक्स अक मान है यहाँ पे रखना है और रख के बनाना है, तो थोड़ा सा पहले इनको हल कर लेना, और अथवा में भी दिया है, देखो अथवा अभी आपको जो त्रैमासिक पेपर है ना उसमें अथवा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अथवा का भरोसा में मत रहना, है ना, पूरा का पूरा प्रश्न बनाना है, तो सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करके देखना, तो कैसे प्रश्न आ सकते हैं ये पूरा का पूरा मैं आपको बताते जा रहा हूँ, और आपके एग्जाम में कितने अध्याय तक प्रश्न आएगा, 7 से 8 अध्याय तक प्रश्न आएगा, अधिकतर 8 रहेगा या 7 अध्याय रहेगा, तो 7 तो एकदम फिक्स है, 7 तक आएगा ही आएगा, और कहीं पे अगर अध्याय 8 भी कंप्लीट हो गया होगा तो अध्याय 8 तक के आएगा,
इसके बाद 12वां प्रश्न देखो, ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत सरल हैं, और इसके बाद इसमें अथवा प्रश्न भी दिए हुए हैं, है ना। फिर 13वां देखो, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, ये आसान प्रश्न है, साइन और कॉस को गुणा करके उत्तर लाना है, ठीक है, इसको आपको हल करते जाना है। कॉट को पहले साइन और कॉस में बांट लेना, ठीक है, इसको पता है ना कैसे बांटते हैं, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा का मान कितना है, देखो 21 और 1 का 20, बस 21 20 को गुणा कर दो, मान निकल जाएगा, आसान टॉपिक है ये। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न, इसमें बताना क्या है, बहुपद दिया हुआ है ना, बहुपद, तो बहुपद आपका चौथा अध्याय है, तो देखो x बराबर एक बार 0 रखना है इस पूरे समीकरण में, x बराबर 0, x बराबर फिर 1 रखना है, फिर x बराबर -2, x बराबर -1 रखोगे उत्तर आ जाएगा। ये करनी से संबंधित प्रश्न है, शायद ये अध्याय 3 से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी मैंने बताया था कैसे बनाना है, आपको पता होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 घात है, तो ये 9 × 9 में कट जाएगा, ठीक है, ये कितने में जाएगा, 3 है, तो 64 को 3 बार लेना है, तो 4 × 4 × 4 करोगे 64 होगा, ठीक है। अब ये देखो ये 9 बार है, तो 2 का 9 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करते जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर में आ रहा है 9 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अब इसे क्रम से जमा लेना है, ठीक है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है, तो बढ़ते क्रम में बताना है, तो 2 4 9 इस तरीके से बता देना, ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल। अब यहाँ पे देखो 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न में आपको ए और बी का मान निकालना है, ठीक है, ए और बी का मान मैंने निकाला, ये काफ़ी लंबा होगा टॉपिक, तो इसके लिए आपको कौन सा अध्याय देखना है, शायद अध्याय 5 है ना, अध्याय 5 को देखना, अध्याय 5 में मिल जाएगा। इसके बाद ये देखो 10 थीटा बराबर 3 / 5 = 4 हो, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात के, भाई एक त्रिभुज बना लेना ऐसा, और 10 थीटा का मान है, मतलब ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और हमारे पास यहाँ पे ये लंब है और आधार का मान दिया है, लंब और आधार, मतलब लंब कौन है, ये 3 और ये 4, ठीक है, 3 4 का मान दिया हुआ है, और आपको 3 4 के मान के हिसाब से कर्ण का मान निकालना है। उसके बाद सभी मान साइन कॉस और टेन तो पहले से दिया है, कॉट है ना, सेक और कोसेक का मान निकाल के बताना है, तो सभी मान को निकालना है, मैंने बता भी दिया है, पढ़ाया भी है आप लोगों को, तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न जो है ये जनसंख्या कितनी रह जाएगी है ना, मतलब वही चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक है, वही से संबंधित प्रश्न है ये भी। फिर ये आयत वाला है, ये हालांकि ये 15 या 15 के आसपास अध्याय का है टॉपिक, लेकिन यहाँ पे ये पहले से दे दिया गया है ना, तो एकाध दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुपद वाले टॉपिक के साथ जुड़ जाता है, तो ये बहुपद वाले में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये तीनों को गुणा किया गया है, पी क्यू आर को गुणा किया है, तो ये जो सभी टॉपिक है ना बारी बारी करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना, पी क्यू को, पी क्यू गुणा करने के बाद इसको गुणा करना, जो भी उत्तर आएगा और जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही क्या होगा, इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, तो घात बस बताना है, तो जब तक कि आप गुणा नहीं करोगे तब तक कि घात आपको नहीं मिलेगा। इसमें अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है, देखो ये प्रश्न भी मैंने आपको बना के बताया था ना, ये सारे प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, देख सकते हो, यही अंतिम प्रश्न है, तो अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको बनाना कैसे आपको तो पता चल गया होगा, तो आपको पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक करना है ये भी मैं बता देता हूँ, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के, और अधिकतम अध्याय 8 रहेगा और कम से कम में 6 से 7 अध्याय रहेगा, जहाँ कहा जाए कि जिस स्कूल में जितने अध्याय तक कंप्लीट हुआ उतने अध्याय तक की प्रश्न आएंगे, है ना, लेकिन कई अध्याय कई स्कूलों में अध्याय 8 तक के कंप्लीट हो गया तो अध्याय 8 तक के आएगा।